नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। प्रदेश में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से एक नेशनल हाईवे समेत 274 सड़कें बंद हो गई। इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जहां यात्री फंसे रहे, रविवार को 76 सड़कों को खोला जा सका। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज कौन कौन से मार्ग बंद है। सबसे पहले बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर के 5 ग्रामीण मार्ग के साथ एक मुख्य जिला मार्ग दफौट से बागेश्वर तक का बंद है। अब बात करें नैनीताल के ग्रामीण मार्गों की, तो 4 ग्रामीण मार्ग के साथ एक स्टेट हाईवे भवाली से नैनीताल तक का बंद है, बाकी सभी सड़कें सुचारू रूप से चल रही हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 17 ग्रामीण मार्ग और 2 बॉर्डर रोड बंद है, वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पूरी तरह से खुले हुए हैं। वहीं अब बात करें टिहरी जिले की, तो टिहरी का लंबगांव घनसाली मोटर मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कमद अयारखाल मोटर मार्ग बोल्डर आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं अब चमोली की बात करें तो चमोली जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी गोपेश्वर और थराली देवाल मुंदोली वाण मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो गया है। बात करें प्रांतीय खंड रुद्रप्रयाग की, तो उत्तरकाशी से तिलवाड़ा को जाने वाला मोटर मार्ग SH-15 मलबा आने की वजह से बंद हो चुका है। पौड़ी की अब बात करें तो पौड़ी के 56 मार्ग बंद हैं, जिसमें 54 ग्रामीण मार्ग के साथ एक स्टेट हाईवे SH-34 पूर्ण रूप से बंद हो गया है। तो ये थी आज की बंद सड़कों को लेकर अपडेट। ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।